Guys, welcome back to another day and another vlog. This is Deb Raj and you are watching DPX. Guys, basically, thank you so much guys, जो आप लोगों ने मेरे इस चैनल को दोबारा से मैंने रिवाइव करने की कोशिश की है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो. थैंक यू सो मच. मैं और क्या बोल सकता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. एंड चलो आज कुछ हम लोग एक नया दिन है और एक नया ब्लॉग करते हैं. आज का ब्लॉग हम लोग पिछले दो दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, रियलिटी इन बैंगलोर रेंट ओनर वर्सेस टेनेंट में डाला था. मैं उसी को रिलेटेड आज एक हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है. मैंने पूरा बहुत सारे लोग देखे, कुछ थाउजेंड व्यूज हो चुके हैं. मैं आज बात करूंगा आप लोगों से, जो लोग बैंगलोर में रहना चाहते हो या फिर नया जॉब मिला है, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा विच ऑल एरियाज इन बैंगलोर किस तरह का रेंट है और आप कहाँ पे रह सकते हो, ठीक है. Where can you stay? आज मैं आपका मोटा मोटी सारी चीजें आप लोगों के साथ ओवरऑल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. मैं इसको थोड़ा इस माइक को यहाँ पे लगा लेता हूँ. आई थिंक दैट वुड बी बेटर. या तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूंगा. ओके तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं इसी तरह से कंटेंट आप लोगों के लाता रहूंगा, प्रॉमिस करता हूँ. लाइफस्टाइल ब्लॉग, करियर सक्सेस और पर्सनल फिनेंस, जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने लाइफ में किया है, उसी सारी चीज रिलेटेड मैं आप लोगों को आगे पीछे बोलता रहूंगा. बट सब कुछ सच्ची कहानी है, कोई गुफफ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ठीक है. ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से. सबसे पहले देखो, बैंगलोर में जब लोग आते हैं, अभी भी आ रहे हैं पढ़ाई करने, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे होल इंडिया से बैंगलोर में बहुत से लोग आते हैं हर साल. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK का रेंट आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ. ओके कितना कितना है. ओके ठीक है. ये बोलने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बोल देता हूँ. देखो बैंगलोर में यूजुअली दो तरह के जगह होते हैं. एक होता है रेसिडेंशियल एरिया, थोड़े से बाहर की तरफ, इनसाइड बोलना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ पे थोड़े से कॉर्पोरेट लाइफ जहाँ पे थोड़े से कम है, कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह जहाँ पे थोड़े से कम है. यूजली पूरे बैंगलोर में कंपनी भर्ती पड़े हुए हैं, बट फिर भी एट कम्पेयर टू द टेक पार्क जहाँ पे सबसे बड़े बड़े कंपनी है, वहाँ पे एक रेट अलग होता है, रेंट अलग होता है. थोड़े से जब आप यदि बाहर निकलोगे 15-20 किलोमीटर उस जगह से, ऑफिस के एरिया से यदि दूर की तरफ रहोगे 20-25 किलोमीटर, तो एक रेंट अलग होता है. ओके यदि आप ऑफिस के नियर बाय जैसे रहना चाहते हो, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं बैंगलोर में जैसे आपके आईटी टेक पार्क कंपनी एरिया होते हैं, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया एकदम जो नॉर्थ पे है, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया, हिब्बाल जो बोलते हैं मान्यता टेक पार्क के रीजन, या फिर जहाँ पे आपके न्यू एयरपोर्ट के जहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ है, हिब्बाल की तरफ से उस साइड से, फिर आ जाता है आपका केयरपुरम साइड, राममूर्ति नगर, वाइट फील्ड एरिया, फिर आ जाता है बिलंदुर, फिर आ जाता है आपका सिल्क बोर्ड, फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी. ये सारे आपके कंपनी रिलेटेड एरिया है. ओके और उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा इस साइड आ जाओगे साउथ की तरफ, जेपी नगर, जयनगर, फिर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ पीछे की तरफ आ जाओगे, वहाँ पर हो जाता है किंगेरी, विजयनगरम, फिर आपका शेषाद्रीपुरम, मलेश्वरम, ये सारी जगह. ओके ये फिर आता है यशवंतपुर, ये मैंने पूरा सर्किल, और बीच में पड़ता है आपका ब्रिगेड रोड, इंदिरा नगर एंड ऑल दोस थिंग्स. तो मोस्टली जो कंपनी एरिया है बैंगलोर में, वो सारे जो मैंने अभी आपको बोले उस तरह से आपके डिवाइडेड है. तो जैसे मैंने एरिया बोला, जो भी कंपनी एरिया है, ओके वाइट फील्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, सिल्क बोर्ड हो गया, बेलंदूर हो गया, फिर आपका केयरपुरम साइड हो गए. ओके केयरपुरम इज द एंड, उसके बाहर थोड़ा सा आउटस्कर्ट हो जा रहा है, उसके बाहर में भी कंपनी है बट उस तरफ थोड़ा आउटस्कर्ट हो जा रहा है. फिर वाइट फील्ड, मारथल्ली, सीवी रमन नगर, ओके फिर आपके हैल रोड, ओके डोमलूर, इंदिरा नगर, यहाँ पे आपके 1 BHK का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट सम अराउंड आज के दिन में 17,000-18,000. ओके उससे ज़्यादा ही हो सकता है, बिकॉज दीज आर दी मेन ऑफिस, आप बोल सकते हो ऑफिस एरिया. तो लोग यूजुअली कम्यूट करना चाहते हैं यहाँ से लेके ऑफिस तक, जल्दी हो जाए 2-3, बिकॉज बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, आप लोगों को पता होगा. और उसके बाद आता है 2 BHK. 2 BHK इन दिस एरिया यू विल फाइंड सम अराउंड 30,000-27,000. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दीज आर, मैं जो रेट बोल रहा हूँ ये एरिया टू एरिया प्लस 3-4,000 वेरी होता है. ओके और ये मैं अपार्टमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. अपार्टमेंट मतलब जहाँ पे हम लोग, जिस तरह के अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं, बिकॉज इस तरह के अपार्टमेंट में रेट और भी ज़्यादा शूट अप कर जाता है
और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रेसिडेंशियल एरिया ऑफिस के पास में उस तरह के एरियाज बोल रहा हूँ, तो 1 BHK हो जाता है 17-18 थाउजेंड, 2 BHK हो जाता है आपका ऑलमोस्ट आपके 24 से लेके 30 थाउजेंड के रेंज में, और 3 BHK का रेंज हो जाता है 40 थाउजेंड। ओके, ये मैं ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट हाउसेस और रेसिडेंशियल हाउसेस। नाउ अब इसी एरियाज में आप यदि जब बड़े अपार्टमेंट में रहना चाहोगे, गेटेड कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग जिस तरह से रहते हैं, मेरा जहाँ पे फ्लैट है वहाँ पे आपके 1 BHK का कॉस्ट पड़ेगा तकरीबन 25,000, 26,000 उसी एरियाज में, सेम एरियाज में, बिकॉज वहाँ पे आपके जिम मिलते हैं, कुक मिल जाते हैं इजीली, आपके मेड वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है, सिक्योरिटी होता है, तो इसीलिए 1 BHK विल बी कॉस्टिंग सम अराउंड 20-25,000, 23-25,000। 2 BHK का अभी जो बैंगलोर में रेट चल रहा है वो है आपका तकरीबन कुछ मीडियम जो 1,200 स्क्वायर फीट का है, दैट विल बी कॉस्टिंग यू सम अराउंड 35-40,000, 42,000, 43,000। ओके, और 3 BHK जो रेट है वो चल रहा है अभी आपका 50,000, 50,000, 55,000 इस तरह का। और यदि इसी जगह पे आप और थोड़ा प्रीमियम सोसाइटी में रहोगे तो आपका रेट और 5-5,000 आप ऐड करते जाओ, इस तरह का हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि बैंगलोर में एक्चुअली 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का रेंट कितना होता है। ठीक है, तो दीज आर द इंटायर थिंग। यदि अभी फिलहाल तो रेट यही चल रहा है। ओके, कोविड के पहले रेट थोड़ा कम था, 1 BHK का डेफिनेटली 12-13 हज़ार था, 2 BHK का 18-19 थाउजेंड था, और 3 BHK का 27-28 थाउजेंड था। वो सडनली विद इन 2-3 ईयर्स इट हैज शूट अप, मतलब बहुत ज्यादा शूट अप हुआ है। तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो मैंने तीन तरह का आप लोगों को जगह का बता दिया है। ओके, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा प्रीमियम, प्रीमियम के बारे में बोलता हूँ। इसलिए मैं प्रीमियम के बारे में बोल रहा हूँ बिकॉज जो लोग आपके बैंगलोर में मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, या फिर हैदराबाद, जो लोग जॉब करते हुए बैंगलोर में शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, प्रीमियम सिटीज से, मतलब टीयर 1 सिटीज में शिफ्ट करके हुए आ रहे हैं, दे जहाँ पे बड़े फैमिली है, 3 BHK एंड ऑल, 3 BHK दे लाइक टू स्टे इन ए गेटेड कम्युनिटी एंड ऑल। मैंने ये देखा है, नोटिस किया है मेरे दोस्त लोगों को भी। यहाँ पे उस केस में आपके 3 BHK का जो यूजुअल कॉस्ट होता है वो आपका 60,000 हो जाता है, 55-60,000 वो चला जाता है, 70,000-80,000 उस तरह का रेंज में है। 4 BHK कॉस्ट यू सम अराउंड 75-80,000, 3 BHK मोटा मोटे अभी तक फिर भी 65 तक चल रहा है। थोड़े से प्रीमियम सोसाइटी जैसे मैं बोल रहा था, प्रेस्टीज सॉन्ग ऑफ द साउथ, फिर आपके ब्रिगेड ग्रुप, सालारपुरिया ग्रुप, ये सारे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं आपके। मेरा जो बिल्डर है वो SNN, वो मिड कैटेगरी में आता है, प्रीमियम से थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आपके 3 BHK का ऑलमोस्ट 50,000 तक रेंट है, 45-50 तक भी मिल जाता है। बट उसके बाजू में यदि आप थोड़े से हीरानंदानी वहाँ पे चले जाओगे तो यू विल गेट इजीली अराउंड 60,000-65,000। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके डिपॉजिट। ओके, द डिपॉजिट एक्चुअली बैंगलोर में यूजुअली 10 मंथ है, दे विल आस्क यू फॉर 10 मंथ ऑफ डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। सपोज यदि आपका 60,000 है तो यू नीड टू पे 6 लैक्स। बट क्या होता है, कोई 6 लाख ओनर लोगों को ही पता है कि बहुत ज़्यादा है, तो वो यूजली 6 लाख नहीं लेते, वो यूजली 4-5 मंथ्स का ही लेते हैं। ठीक है, जैसे 6 लाख का हुआ, मतलब 60,000 का हुआ, दे यूजली टेक 2.5 लाख, 3 लाख। जैसे मेरा यहाँ पे, जैसे रेंट मैंने बताई थी पिछले ब्लॉग में 51 था, बट मेरे यहाँ पे ओनर ने 2.5 लैक्स लिया, बट इज ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, जब बैंगलोर में जब फ्लैट छोड़ते हो तो आपका क्या सीनारियो है। गाइज, यहाँ पे आपका एग्रीमेंट ठीक से बना लेना, जब भी आप फ्लैट हैंडओवर करोगे, छोड़ोगे, दे यूजुअली डिडक्ट 1 मंथ ऑफ रेंटल और पेंटिंग चार्जेस। मतलब ये वो लोग ये बोल सकते हैं एग्रीमेंट में कि बहुत सारे होते हैं, कोई कोई 1 मंथ का एकदम डिडक्ट कर लेता है स्ट्रेट अवे, यदि आप छोड़ोगे तो आपको 1 महीने का आपको डिपॉजिट से कट हो जाएगा। यदि मैंने 2.5 लाख दिया हुआ है, मेरा यदि मेरा रेंट सब कुछ क्लियर है, तो दे विल स्ट्रेट अवे डिडक्ट 1 मंथ ऑफ रेंटल, और दे विल, यदि नहीं तो क्लीनिंग चार्जेस, जिस तरह से आप निगोशिएट करोगे आप अपने ओनर से, ओनर के साथ, तो उस तरह से आपको, एंड मेक श्योर कि ऑल सारे ड्यूज आपके क्लियर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल सब कुछ क्लियर हो, यदि कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में,
तो दे विल डिडक्ट, और सब कुछ इंटैक्ट में हो तो इस तरह से रेंट होते हैं। मतलब ये 1 BHK लो, 2 BHK लो, 3 BHK। देखो देखो 1 BHK में यदि आपका 18,000 रेंट होता है तो 10 मंथ का 1.8 लाख होता है, लेकिन कोई नहीं लेता है। तो यूजली 1 BHK का लोग 1,70,000-80,000 तक लोग मांग जाते हैं, मतलब 5 to 6 टाइम। तो यही अभी चल रहा है। नॉर्मली 10 मंथ्स बोलते हैं, बट 10 मंथ्स कोई नहीं लेता है, बट दे यूजली टेक बाई 5 to 6 मंथ यूजली टेक। दैट इज अ प्रॉपर स्टैंडर्ड इन बैंगलोर। बैंगलोर में और एक चीज है, द रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड के बारे में मैं इसके बाद वाला वीडियो बताऊंगा, जान इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट कंटेंट इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी बाइंग ए फ्लैट और रेंटल इन ए बैंगलोर लाइक सिटी। ओके, ये मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं। मैं आई एम बिग फॉलो ऑफ अंकुर वारिकू एंड ऑल, शरण हेगड़े, अब पता ही होगा, फिनेंस विद शरण, वो भी बैंगलोर से ही है। मैंने बहुत से लोगों का देखा है, सब लोग बोलते हैं कि ऑलवेज रेंट इज बेटर देन बाइंग, बट मेरा भी कॉन्सेप्ट वही है। बट सर्टेन केसेस में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, बाइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द रेंट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वो वीडियो देखने से आपको पता चलेगा, बिकॉज दैट गोइंग टू बी वेरी गुड कंटेंट। मैंने अभी तक उस तरह का वीडियो नहीं देखा है, वाई I would be considering both is very important. So उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो वाला वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा। उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत आ जाएगा जब भी मैं डालूंगा। बट ये था आज के वीडियो, इंटायर रेंट का स्टोरी इन बैंगलोर में। आपको मैंने सब कुछ बोल दिया है, कौन से एरिया में किस तरह के रेंट है। एरिया तो मोटा मोटी सब सेम ही है, बट इफ यू अंडरस्टैंड कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इन बैंगलोर में रेंट क्या है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द टिल एंड। देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ा मजा आएगा। और मिलते हैं और एक अगले ब्लॉग पे। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।